Assalamualaikum guys and welcome back to Oren Cave Vlogs. आज जा रहे हैं ऑलबरी वडूंगा और वहाँ से जैसा कि कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था आई विल बी पिकिंग अप माई न्यू मोटर बाइक. न्यू तो नहीं है, 20 किलोमीटर्स जो है वो चली हुई है, तो आई वुड कंसिडर इट स्लाइटली यूज, लेकिन 20 किलोमीटर्स तो भाग के भी तय किया जा सकता है. तो देख सकते हैं कि लेदर की जैकेटें बाहर आ चुकी हैं क्योंकि सर्दी टाइट है और बाइकर लुक देना है तो थोड़ा बाइक का भी जैकेट का भी सीन होना चाहिए. निकल रहे हैं लीटन से. आई थिंक इट्स गोना टेक अस 2.5 आवर्स. और सबसे पहले तो बाइक को पिक करने के लिए ट्रेलर जो है वो हायर करना पड़ेगा. ट्रेलर का चक्कर ये है कि क्योंकि बाइक पहले मेरे पास यूट हुआ करता था और अब मेरे पास यूट नहीं है. यूट बोले तो पिकअप ट्रक जिसको कहते हैं पाकिस्तान में, यहाँ पे यूटिलिटी की वजह से उसको यूट कहते हैं. तो यूट मेरे पास अब नहीं है, वरना आप इजीली अपने यूट के पीछे अपनी बाइक को जो है वो कैरी करके ला सकते हैं. लेकिन अब मुझे उसके लिए जो है वो कुछ और तरकीब निकालनी पड़ेगी. चलें आए आपको दिखाता हूँ. ट्रेलर पिक कर चुके हैं और अब निकलेंगे वडूंगा विक्टोरिया के लिए. 3 घंटे का सफ़र है और अब जाके डायरेक्ट रुकेंगे जहां पे बाइक पिक करनी है. तो ऑलबरी वडूंगा पहुंचे हैं तकरीबन 3 घंटे का सफ़र तय करके. बाइक पिक कर ली है, बाइक को ट्रेलर में चढ़ा लिया है, टेस्ट ड्राइव छोटी सी ले ली है, लेकिन क्योंकि टाइम नहीं था तो अब वापस जाएँगे लीटन. वहाँ जाके मैं आप लोगों को प्रॉपर बाइक का रिव्यू दूँगा. मैंने कहा आपका दो दफ़ा दिखा के टाइम वेस्ट ना करूँ, एक ही गो में प्रॉपर रिव्यू दूंगा. नाउ वी आर हेडिंग बैक टू लीटन. 3-3.5 घंटे की एक और ड्राइव है, मिलते हैं शॉर्ट ड्राइव के बाद. तो ये है मेरी पहली मोटर बाइक ऑस्ट्रेलिया में. कंपनी है ब्राप और यह है 250cc कैफे रेसर. कल पिक करके लाया हूँ और अभी तक ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर तक इसकी राइड ले चुका हूँ. जब मैंने परचेज़ की थी तो इट हैड ओनली 20 किलोमीटर्स ऑन द क्लॉक और अभी मैं 35 किलोमीटर्स क्रॉस कर चुका हूँ. अभी तक जो है आई वुड लाइक टू टेल यू गाइस कि ब्राप जो है इट्स कंसीडर्ड टू बी ऑस्ट्रेलियाज मोस्ट हेटेड ब्रांड, क्योंकि ये एक ऑस्ट्रेलियन ओन कंपनी है. इट्स नॉट दैट मच फेमस एट द मोमेंट और इनकी जो मार्केट ऑडियंस है वो मोस्टली है लर्नर मोटरसाइकिल, जो भी लोग लर्न करना चाहते हैं. तो वेरी नाइस लुक जो है वो, मतलब फॉर द कॉस्ट दैट यू पे फॉर इट, इट्स इनक्रेडिबल. दिस बाइक ब्रांड न्यू कैन कॉस्ट यू समवेयर अराउंड $4,000 और एज़ कम्पेयर टू एनी अदर बाइक, अगर आप हार्ली पे चले जाएँ, होंडा पे चले जाएँ, तो आई चेक आउट के अभी इस वक्त होंडा CB125 जो है जो नो वेयर नियर इसके अमेजिंग लुक के बिल्कुल भी करीब नहीं है. दैट्स ओनली कॉस्टिंग यू अराउंड $3,800. तो $200 कम करने, बट हाफ द पावर एंड नो वेयर नियर एज दिस लुक. एक और चीज़ जो मुझे ब्राप की बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि दे हैव क्रिएटेड अ ब्राप यूनिवर्सिटी, जहाँ पे ब्राप यूनिवर्सिटी एक वेबसाइट है जहाँ पे आप जाके ऑनलाइन ब्राप के सारे जितने भी सर्विस योर ओन राइड की सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं एंड यू कैन टेक्निकली सर्विस दिस बाइक ऑल बाय योरसेल्फ. और एक मकसद ब्राप ऑस्ट्रेलिया नोन होने का ये भी है कि जो भी लोग ये बाइक परचेज करते हैं वो खुद ये कैपेबिलिटी रखें टू ट्रबल शूट एंड फिक्स द प्रॉब्लम्स एंड मेंटेन एंड डू द सर्विस ऑन देयर बाइक ऑल बाय देमसेल्फ. तो सो फार आई एम रियल हैप्पी. अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ एक छोटे से टेस्ट रन के ऊपर और आई होप आपको भी ये ब्राप बाइक पसंद आई होगी. आई एम रियली एंजॉइंग इट. आई सी यू गाइज ऑन द रोड. I'll be honest, pick-wise, बहुत ज़्यादा powerful नहीं है, but it's very fun to ride, it's very controllable, और काफ़ी ज़्यादा मैं enjoy कर रहा हूँ ब्राप को भी. The price that I have paid for it, it's absolutely worth it,
क्योंकि अभी तक इस बाइक पे अंडर 200 किलोमीटर्स है, तो आई एम टेकिंग इट ईजी। मैं बहुत ज़्यादा स्पीड में कुछ नहीं चला रहा, बट सो फार आई एम एंजॉइंग इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाले दिनों में मैं और भी इस तरीके की मोटो व्लॉग्स भी साथ साथ अपने चैनल पे अपलोड करता रहूँगा। साइनिंग आउट ऑरन के व्लॉग्स।